पापा पापा बच्चों की खुशियों की चाबी होते हैं। जब हम छोटे थे ना, तब पापा थक के काम से आते थे और आते ही हमें गोद में बिठा के हमें प्यार करते थे और हमारे लिए न जाने क्या क्या नहीं लाते थे। कभी खिलौने, कभी टॉफीज, कभी चॉकलेट्स। जितनी मर्जी परेशानी हो, पर कभी उसे किसी से शेयर नहीं करते थे। सुबह से लेकर शाम तक अपने परिवार से दूर रहते थे ताकि सबके लिए वो अकेले एफर्ट्स कर सके और सबकी नीड्स वो पूरी कर सके। वो खुद के बचपन में फेस्टिवल में नए कपड़े ले पाए या ना ले पाए, लेकिन हमारे एक भी फेस्टिवल रूखे नहीं जाने दिए। नए कपड़ों से लेकर मिठाइयाँ, हर एक चीज उन्होंने हमें ला के दिए। बिजनेस में क्या चल रहा है या कोई प्रॉब्लम है, कभी घर पे नहीं बताते। पापा की बोली भी बात पत्थर की लकीर होती थी, क्योंकि वो जो बोलते थे सच ही होता था। और एक बाप अपने बच्चों को बुरी आदतों से दूर और अच्छी आदतों के पास लाते रहे। उन्होंने अपना आधा से ज़्यादा जीवन बाहर जाकर मेहनत कर हमारे साथ ना रहकर बिताया है। तो हमारे कुछ स्पेशल पल, यानी कि हमारे पहला कदम, हमारे पहले मूमेंट्स, वो मिस कर जाते थे, लेकिन फिर भी रिकॉर्डिंग से ही उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते थे। पर अब समय बिल्कुल बदल चुका है। आज के टाइम में पापा घर और बेटा बाहर से आता है, तो पापा भी यही उम्मीद करते हैं कि बच्चे उनके साथ बैठें, उनको टाइम दें, उनको अपने दिन के बारे में बताएं, उनके दिन के बारे में पूछें, उनको किसी चीज़ की नीड है नहीं है उनके बारे में पूछें, उन्हें बहुत प्यार करें। पता है, पापा लोग कम जताते हैं और अपनी दिल की बातें भी कम बताते हैं, पर हम बच्चों को उनकी चुप्पी भी समझनी चाहिए जैसे वो हमारे समझते थे। आई लव यू पापा। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग दिस। आई होप यू लाइक दिस।